हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने चेहरे पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और चेहरे पर ग्लो लाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हमारी कोहनी है, उन पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, हमारे घुटने हैं और हमारे अंडर आर्म्स हैं, जिन्हें हम अनदेखी कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा काले और डार्क हो जाते हैं। ये होते क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे जॉइंट्स होते हैं, इन मोड़ पर त्वचा बहुत ज़्यादा खुदरी होती है, जिसकी वजह से कालापन बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ जाता है। तो इनकी कुछ देख रेख से ये मुलायम हो जाएंगी, खूबसूरत हो जाएंगी और देखने में भी ख़राब नहीं लगेंगी। इनके टेक्सचर को सुधारने के लिए थोड़े से रखरखाव की ज़रूरत है, इसके लिए आपको सिर्फ किचन की चीज़ों की ही ज़रूरत है, आपको किसी भारी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले चाहिए हमें दही। दही एक बहुत अच्छा नेचुरल क्लींजर है, ये हमारे स्किन में नमी को लॉक करता है, जिससे जो स्किन सख्त और बेजान हो गई है वो रूखापन कम हो जाता है। उसके बाद हमें चाहिए वाइट विनेगर। तो वाइट विनेगर स्किन को इंस्टेंट ग्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो करीब 2 चम्मच के करीब हमें दही चाहिए। आप 2 से 3 चम्मच अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। उसमें उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे वाइट विनेगर। ये आपको किसी भी किराने की दुकान में बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो ये पेस्ट हमारा रेडी है लगाने के लिए। तो आप अपनी एल्बो यानी कोहनी पर इसे लगाइए और इसे आप अपना जो नी एरिया है यानी घुटने हैं, कई बार एड़ी के पास का एरिया भी बहुत ज़्यादा सख्त और बेजान होता है, वहाँ पर लगा करके अच्छी सी क्वांटिटी में, और आप हल्के हल्के हाथों से कम 5 मिनट तक मसाज कीजिए। मसाज करने से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होगा और जो स्किन टाइट और मोटी हो गई है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो उसका कालापन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड रेमेडी बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए दही। तो दही इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच पूरे भर करके, और ये एक स्क्रब का भी काम करेगा, क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं गेहूं का चोकर, जो भी आपके किचन में बड़ी आसानी से अवेलेबल होता है, आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो 2 चम्मच चोकर डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि चोकर अच्छे से भीग जाए। जब चोकर अच्छे से भीग जाएगा तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो जब आप इससे स्क्रबिंग करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी और आपको करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो आपका नी एरिया है जो बहुत ज़्यादा डार्क और काला है, जो आपका एल्बो एरिया है वहाँ पर भी आप इसे लगाइए, यानी कि जो भी आपका जॉइंट्स के पर डार्क एरिया है वहाँ पर इसे आप लगा लीजिए और इसे इसी तरीके से 5 मिनट छोड़ दीजिए। जब भी थोड़ा सा हल्का सा ड्राई हो जाए तब सर्कुलर मोशन में रगड़ते हुए इसे आप छुड़ा दें। इससे स्किन का खुरदरापन कम हो जाएगा, कालापन भी चला जाएगा और जो आपकी एल्बो और आपकी नी है, बाकी जो डार्क एरिया, वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा और स्किन का कलर धीरे धीरे साफ हो जाएगा और आपके शरीर के बाकी हिस्सों से मैच खाने लगेगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके काम की होगी। इन दोनों रेमेडी में से आप कोई भी ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।